देखो ये जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल 3,8, इसको हम कैसे रीड करेंगे, सेट रीड एज ऑल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8 आर प्रेजेंट, ऑल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8 आर प्रेजेंट, 3 इज नॉट प्रेजेंट, 8 इज नॉट प्रेजेंट, इसको हमने ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर होगा। फिर -9,6 को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 6, वो एक्स वो सारे रियल नंबर्स हमें लेने हैं जो 9 से ग्रेटर हो 6 से स्मॉलर हो, तो 9 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड है, तो इसको हम ऐसे ग्राफिकली लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब है आधा ओपन आधा क्लोज, इसका क्या मतलब है वो ये ऐसे देख लो, हमने क्या बोला सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसका बच्चे क्या मतलब है ये देखो, जैसे कि हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा ए कॉमा बी, ऐसे ओपन लिखा, ओपन ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये तो क्लोज ब्रैकेट हो गया ए और ये बी पे ओपन लगाया, ऐसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ऐसे हम लोग ओपन के लिए लार्ज ब्रैकेट भी यूज करते हैं बट उल्टा ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों एक ही बात लिखा है, ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड किस पर क्लोज है, ए पर क्लोज है बी पर ओपन है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल लगा दिया बिकॉज a पर क्लोज है, a को हमें इंक्लूड करना है बट b को एक्सक्लूड करना है, तो b पर क्लोज नहीं लगाया, मीन्स इक्वल नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान ले वेयर a इज लेस देन b, a b से छोटा है, तो नंबर लाइन पे क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे दिस इज a, यहाँ पे ये b हो गया, a को हमें लेना है बी पे, हमको हमें नहीं लेना तो बी के लिए ओपन, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे चाहो तो ये हैश लाइन बना सकते हो, चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। इसका क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, क्लियर है, तो ये मतलब हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ए पर ओपन बनाते बी पर क्लोज बनाते, या इसको हम ऐसे लिखते ए पर ओपन, ओपन के लिए बोला कि लार्ज ब्रैकेट को उल्टा लिख दो और बी पर क्लोज, तो ऐसे लिख दिया। इसका क्या मतलब हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अब यहाँ पे क्या किस पर ओपन हो गया, ए पर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी, इसको अगर हम ग्राफिकली लिखना चाहें तो ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ए बी ए पर ओपन बट बी पर क्लोज, ऐसे क्लोज, इस क्या बनाया फिल्ड सर्कल, ऐसे चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब इसका एक दो एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा -3,8, ऐसे लिखा, एक तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो -3,8, ऐसे उल्टा बना लिया, तो इसको हमने क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। अगेन ग्राफिकल देखना है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -3 लेफ्ट में होगा 8 राइट में होगा, -3 पर हमने क्लोज बना लिया 8 पर ओपन बना लिया, ऐसे लिख के ऐसे दे दिया, चाहो तो तुम इसको ऐसे जो मैं हैश बना रहा हूँ इसको चाहो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा 5,10, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5,10, इसका क्या मतलब हुआ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 5,10, 5 पर ओपन और 10 पर क्लोज्ड, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये था हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, इसके ये एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है तो तुम क्या करो कि जब तक मैं ये समझा रहा होता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये तुम्हारा पीडीएफ भी बन जाएगा, जैसे पेज बाई पेज जो तुम्हें विजिबल है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये तुम्हें पेज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 5। अब अच्छा, पेज नंबर 5 में हो गया, क्लियर है, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं 2,9, 5,10, ठीक है।
अब आ जाते हैं, एक मैंने फोर्थ पॉइंट में लिया डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब टूटा हुआ। तो इसको लिए मैंने क्या बताया कि डिस्क्रीट सेट को हम लोग जनरली किससे फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं? रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हो गया, जैसे ये डिस्क्रीट सेट है, ये डिस्क्रीट फाइनाइट सेट है, ये डिस्क्रीट इनफाइनाइट सेट है। इससे पहले अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? कंटिन्यूअस सेट पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंटिन्यूअस सेट बोलेंगे तो कंटिन्यूअस सेट हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट ही होगा, वो फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर तुमने कोई भी दो नंबर ले लिया, कितना भी क्लोज ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया तुमने 1.01 और दूसरा नंबर ले लिया 1.00001, तो 1.0001 और 1.01 ये काफ़ी क्लोज है, बट इसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो तुम डिस्क्रीट सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, बिकॉज उस वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स को हमें सेपरेट करना होगा ना कॉमा से, बट हमें पता है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स लिख नहीं सकते। तो कंटिन्यूअस सेट हमेशा रोस्टर फॉर्म में आएगा। रोस्टर फॉर्म में हम डिस्क्रीट सेट भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ डिस्क्रीट सेट ही लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिस्क्रीट सेट भी लिख सकते हैं और कंटिन्यूअस सेट भी लिख सकते हैं, बट रोस्टर फॉर्म में कभी भी हम कंटिन्यूअस सेट नहीं लिख सकते। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं ऐसे कोई सेट लिखूं, एक तरफ तो ऐसे लिख दूं और ये 5 लिखूं और ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे दूं, ये लिखूं और ऐसे मैं लिख लूं, पहले कर्ली ब्रैकेट लिख लूं फिर 3 लिख के 5, ऐसे लिखूं और ऐसे मैंने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट 3, 5 ऐसे लिख लिया, तो ये सब जो चीज लिखा है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। या तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है कंटिन्यूअस सेट में, लेकिन इस ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे लिख लोगे, ये एक 3, 5 लिख लिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, ये जो होगा बच्चे ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे, डैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यूनियन में क्या है, यूनियन को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हमने बोला कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ईदर ए और बी, डैट इज एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। देखो बच्चे, ईदर ए और बी, ये मैं बोलूं या मैं बोलूं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ये दोनों एक ही सेम मतलब सेम इसका मीनिंग निकलता है। इधर ए और बी बोलूं या मैं बोलूं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एक ही मतलब निकलता है। इधर का क्या मतलब है, इधर ए और बी का क्या मतलब है, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, ये मतलब होता है। जैसे मैंने बोला ना कि इधर ए और बी, तो इधर ए और बी बोलने का मतलब या तो एलिमेंट सेट ए में हो या तो एलिमेंट सेट बी में हो या तो एलिमेंट सेट ए में भी हो और बी में भी हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो, डिस्क्रीट सेट हमने दो ले लिया, एक ये लिया ए सेट और एक सेट बी लिया। अब अगर मैं यूनियन लिखूं तो ऐसे जो लिखते हैं ना यू, यू किसे रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये क्या लिखा हुआ, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी, इसे हम रीड करेंगे ए यूनियन बी। अगर ए सेट है बी सेट है तो उसका जो यूनियन आएगा वो भी एक सेट ही होगा। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ईदर ए और बी, ठीक है, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ईदर ए और बी बोलने का मतलब या तो एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो या तो बी में प्रेजेंट हो या तो दोनों में प्रेजेंट हो। अब आ जाओ इसका मैं यूनियन लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी लिखा, ए की जगह ये सेट लिखा, यूनियन का ये सिंबल बनाया, बी की जगह ये सेट लिखा। अब जो इसका ये जो यूनियन सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, वो भी प्रेजेंट होंगे।